एरिया में फॉर्मूलाओं को कैसे यूज करते हैं। सो एग्जांपल नंबर फोर, इन द बिलो गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर दी हुई है, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन। सर्कुलर फ्लावर बेड दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल के अंदर ये जो दो है, एक सर्कल के अंदर, अब दोबारा पढ़ते हैं, इन द बिलो गिवन फिगर टू सर्कुलर फ्लावर बर्ड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन ए बी सी डी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक लॉन है। इस लॉन के ये जो ब्लू कलर के क्या है, ये यहाँ पे इस लॉन के दोनों तरफ ये सर्कुलर फॉर्म में है। देखो ये सर्कुलर उसका पार्ट है, ये दिखाया नहीं हुआ है। तो ये लॉन का डिज़ाइन कहता है बीच में स्क्वायर है, 56 का 56 है, तो ये भी 56 है। और उसमें हमने क्या किया है, सर्कुलर उसमें, इसमें यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं, फ्लावर बेड मीन्स फूल लगाए हुए हैं खूब सारे, इधर भी लगाए हुए हैं और इधर भी लगाए हुए हैं। दैट मीन्स आपके घर के बाहर समझ लो ये गार्डन है, उस गार्डन में इतने में आप खेल सकते हो और इधर दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, है ना, कितना सुंदर था। ओके, इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का यदि मैं सेंटर लूँ, ये सर्कल है एक तरह से, ऐसे ऐसे क्रॉस कट कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ सेंटर, ओ इज़ अ सेंटर, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। ये जो स्क्वायर लॉन है उसके भी कट करूँ और ये सर्कुलर बेड है उसको कट करूँ, तो दोनों का सेंटर एक ही है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ओ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, स्क्वायर लॉन का डायगनल्स को कट करूँ वो, और या मैं सर्कुलर जो हमारे फ्लावर बेड्स हैं जहाँ फूल लगे हुए हैं उनको यदि मैं कट करूँ, कॉर्नर्स को टच करता हूँ, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये सेम है। अब हमको क्या पता लगाना है, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ द लॉन, एरिया ऑफ द, ये जो लॉन है वाइट कलर का, एंड द फ्लावर बेड मीन्स ये ब्लू कलर, ब्लू कलर का एरिया और ये पूरा एरिया। तो ये तो स्क्वायर है, बहुत अच्छा है, 56 × 56 ये एरिया तो निकल जाएगा, और हमें पता लगाना है ब्लू, ये और मालूम चल जाए। अब देखो इसके अंदर सपोज दिस, ये सर्कल है उसका ये रेडियस आर है, ठीक है, बोल सकते हैं, दैट मीन्स ओ ए या ओ बी या ओ डी या ओ सी सब आर ई आर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो मैंने वो सर्कल हटा दिया, ठीक है, वो समझाने के लिए आपको समझाया कि जो फिगर दी हुई है कैसे बनाई थी इन्होंने, क्यों इसको सर्कुलर फ्लावर बेड्स बोल रहा है ब्लू वालों को। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, द एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन ए बी सी डी विल बी 56 × 56 बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, लेंथ इन टू ब्रेथ एरिया आ गया, ठीक है। तो पहला तो मिल गया, अब हमको बस ब्लू ब्लू का एरिया और पता लगाना है। अब ब्लू में पता लगाने से पहले देखो, यदि ये जो आर है रेडियस को यदि मैं एक्स बोल देता हूँ, क्यों मैं एक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, उसमें यदि आर लोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो लेट से आर की वैल्यू एक्स मीटर है, सपोज ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, क्यों मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स साइड कितनी है मीटर्स में, इसलिए हम मीटर में लेंगे। सो ये एक्स मीटर है, ये सब कुछ एक्स हो गया, आर बोलूँ या एक्स बोलूँ एक ही मतलब है, ओके। तो अब समझने के लिए देखो कि ये जो पूरा बना, एक सर्कल था, सर्कल का ये सेंटर है, दैट मीन्स मैं येलो एरिया को यदि ले लूँ और ये साइड हमने क्या बोल दी एक्स एक्स, तो ये क्या बन गया एक, देखो सेक्टर, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये डायगनल सबको मालूम है, सर्कल की सॉरी स्क्वायर की डायगनल जब कट करती हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री बनाती हैं, बनाती नहीं बनाती हैं, है ना, ओके। ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स एक सर्कल का ये 1/4 पार्ट है 90 डिग्री का मतलब, और ये ऐसे कितने सेक्टर हैं हमारे, दो, दैट मीन्स आधा सर्कल का एरिया ही है येल्लो प्लस ब्लू को मिला के, ऐसे ऊपर वाइट प्लस ब्लू को मिला के, है कि नहीं। चलो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना है डी सी, 56, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ स्क्वायर। यदि ये 56 है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, तो आप एक्स पता लगा सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू मालूम चल गई। तो आप एक्स मालूम चल गई, तो ये क्या है सेक्टर, 90 डिग्री है, रेडियस मालूम है, तो एरिया ऑफ दिस ओ डी सी, ये पूरा येलो प्लस ब्लू का एरिया मालूम चल गया, येलो प्लस ब्लू का यदि एरिया मालूम चल गया आपको, तो आपको क्या मालूम चल गया, तो आप सब कुछ पता लगा सकते हो। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना,
तो हमने क्या बोला कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर लैंड कितना होगा 56 इंटू 56। हमने बोला किसी भी एक साइड को x मानते हैं, दैट मीन्स सारी साइड क्या है, ये x ही होंगी। एंड इन दिस येलो ट्राइंगल ओ डी सी वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 बाई पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमको x की वैल्यू मालूम चल गई, लेट्स कैलकुलेट। तो अल्टीमेटली वट वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2856। अब इसको हम आगे सॉल्व करें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ रख लो, आप सॉल्व कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर ओ डी सी, ओ डी सी में इस पूरे सेक्टर का निकाल सकता हूँ। हमने क्या बोला थीटा अपॉन 360, थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360। क्यों 90? क्योंकि डायगनल्स स्क्वायर के डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर क्यों है, दिस इज अ रेडियस, एक्स इज अ रेडियस, इसलिए मैंने एक्स लिया। यदि मैं आर लिखता तो ना बहुत बार कन्फ्यूज होता था हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। सो ये हमें मालूम चल गया, सो लेट्स सॉल्व इट। थोड़ा 90 से डिवाइड किया 1/4, तो 1/4 पाई एक्स स्क्वायर। तो येलो येलो प्लस ब्लू इस सेक्टर का एरिया मिल गया। यदि इस सेक्टर का एरिया मिल गया सो इनको हम थोड़ा वैल्यू रख देते हैं। पाई मालूम है 22/7 और एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू दी हुई है हमको, क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर की हमने क्या दिया 28 इंटू 56। इसलिए एक्चुअली हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, एक्स स्क्वायर ही रहने दिया क्योंकि ये फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक। तो इससे क्या मालूम हमको, इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम चल गया। इसको आप सॉल्व करके निकालना चाहो तो यू कैन सॉल्व इट, और जस्ट लीव इट टाइमिंग के लिए, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ डी सी निकाल सकते हो, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ए भी एक्स होगा और हाइट भी एक्स होगी, तो एरिया कितना होगा 56 इंटू 56। ये कैसे निकाल दिया मैंने, मैंने ये थोड़ा तो ऑपोजिट फार्मूला लिख दिया, राइट। मैंने क्या किया 1/4 ऑफ 56 मीन्स ये पूरे स्क्वायर का 1/4 ही तो है एरिया, तो इस तरीके से भी लिख सकते थे। मैं वैसे बोल रहा था हाफ बेस इंटू हाफ एक्स इंटू इंटू एक्स, तो हाफ एक्स इंटू एक्स क्या होता एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होता 28 इंटू 56 मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो क्या आता, यही आता, या ये दूसरे तरीके से हमने बोल दिया कि स्क्वायर का 1/4 पार्ट है बिकॉज एंगल डी ओ सी इज 90 डिग्री, ठीक। ओके, सो द एरिया ऑफ द फ्लैबॉयड डी सी एरिया जो है इसका आपको मालूम चल जाएगा। एरिया मीन्स सेक्टर के एरिया में से येलो वाला माइनस कर दूँ ब्लू निकल जाएगा, और सेक्टर का एरिया हमने अभी निकाला था इक्वेशन नंबर 3 से। सो इक्वेशन नंबर 3 जो सेक्टर के एरिया में से हम क्या मालूम कर रहे हैं, ये ट्राइंगल वापस कर दें, ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला है ये, तो इन दोनों को 3 में से ट्राइंगल माइनस कर दो। सो वी कैन राइट इट दिस वे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इट इज़ कमिंग दिस वे, और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इस डी सी जो ये हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकला है, या फ्लावर बेड का एरिया आ गया। अब ये फ्लावर बेड एक इधर है और एक फ्लावर बेड ऊपर है, दैट मीन्स दो। और हमको क्या पता लगाना है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड मीन्स ये वाइट वाले का प्लस दोनों ब्लू वाले का। हमने वाइट वाले का एरिया पहले ही निकाल लिया था 56 इंटू 56, मीन्स लॉन का एरिया तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक साइड का एरिया हमने निकाल ही लिया डीसी का, ये एग्जैक्टली सेम है। तो व्हाट वी कैन राइट, द टोटल एरिया ऑफ द गिवन लॉन एंड फ्लावर बेड वुड बी, टोटल एरिया वुड बी 56 इंटू 56 मीन्स वाइट दिस एरिया प्लस ट्वाइस, दो बार कर लो, एक बार में लिख लूँ फिर दोबारा लिख लूँ। सो दिस इज व्हाट, एंड फाइनली यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 4032 मीटर स्क्वायर। तो जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें लिखने प्लस माइनस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने किस चीज़ का यूज़ किया, और इनमें ना आप एरिया निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखो कि हम कुछ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो हमने सेक्टर का फार्मूला यूज़ किया, ट्राइंगल को बहुत बार यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस को यूज़ कर रहे हैं, तो ये दो तीन चीज़ को यूज़ करके ही सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स अभी तक 8th, 9th, 10th में आपने जो भी पढ़ाया अभी तक, उस सारी चीज़ को आप एरिया निकालने में सॉल्व कर रहे हो। तो आपको यदि फार्मूला याद हैं और कुछ लॉजिक्स बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम याद है, साइन थीटा कॉस थीटा याद हैं, तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया वेरी इजीली। यदि नहीं क्लियर हुआ सो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, क्लियर है? ओके,
यदि मैं इसको अल्टरनेट तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप, कहते कि ना मैं जो आपने सॉल्व कराया वैसे ना करके हम दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वी कैन से टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या बोलूँ, ये सेक्टर बोल सकता हूँ और इसको भी नीचे वाला सेक्टर ले लूँ, दो सेक्टर को ऐड कर लूँ, प्लस इस साइड का ट्राइंगल प्लस इस साइड का ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल और दो सेक्टर्स को ऐड कर दूँ, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द टोटल एरिया। और हमने एरिया ऑफ द सेक्टर एक ये तो हमें निकाला ही था, ओ डी सी, ये मान लो सेंटर ओ है, तो क्या निकला था, ये 90 डिग्री था, तो हमने निकाला था 90/360 इंटू पाई इंटू, ये निकाला ही था हमने, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, ये निकाला ही था ना पाइथागोरस हमसे, तो हमको एक का मालूम चल गया, दूसरे का भी एग्जैक्टली उतना ही होगा, राइट, वो हमने दूसरे का लिख दिया। फिर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था अभी, तो ट्राइंगल का एरिया लिख दिया, ट्राइंगल का एरिया कैसा है, आधा ट्राइंगल आधा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हो गया, फिफ्थ मीन्स इस सर्कल का मतलब इस स्क्वायर का हाफ एरिया, तो वन फोर्थ ऑफ दिस, वन फोर्थ ऑफ दिस, मैं ऐसे लिखूँ या दोनों में लिख सकता हाफ ऑफ 56 इंटू 56। सो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, एंड वंस यू सॉल्व इट अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट मीन्स 4032 मीटर स्क्वायर, जो हमने पहले निकाला वो हमने बाद में निकाला। तो निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि आपने सेक्टर और इस टाइप से डिवाइड किया, तो ये किस तरीके से आप इमेजन कर रहे हो ना उसी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूला मालूम होने चाहिए।